What is up, ladies and gentlemen? Esports 360 के एक और नए एपिसोड में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के एपिसोड में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किस तरह से इंडिया की वैलोरेंट पावर हाउस VLT ने अक्वायर किया BGMI के लिए अपना एक नया लाइनअप जो है टीम आईएनडी का पुराना लाइनअप। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और नजर डालेंगे EISL के कुछ हाइलाइट्स के ऊपर, बात करेंगे कुछ ऐसे लीक्स के ऊपर जो हिंट कर रहे हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के एक नए गेम के ऊपर विच कुड पॉसिबली बी वॉरजोन, एंड इन द एंड लेडीज एंड जेंटलमैन हम BGIS के बारे में भी बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, दिस इज सुपर जॉनी एंड यू गाइस आर वॉचिंग ईस्पोर्ट्स 360। टीम INDE के प्लेयर्स ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहा है अलविदा एंड द होल रोस्टर हैज बीन अक्वायर्ड बाय वेलोसिटी गेमिंग। VLT वैलोरेंट कम्युनिटी का एक हाउसहोल्ड नेम बन चुका है एंड नाउ दे हैव पिक्ड अप द मोस्ट कंसिस्टेंट BGMI टीम एवर, दैट्स टीम INDE। आतंकी, स्नैक्स, दलजीत और क्रेटोस इस रोस्टर का हिस्सा होंगे। स्लेयर और ट्रांस ने ब्रेक लेने का डिसीजन लिया है। VLT सेंटिनल होंगे इस टीम के ओनर। This is a very big news, by the way. अभी तक हमने ब्लैक एंड व्हाइट में इन सारे प्लेयर्स को देखा है और इन्होंने काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स को डोमिनेट भी किया है। अब वो हमें देखेंगे येलो और ब्लैक के कलर्स में। गुड लक टू ऑल द प्लेयर्स। चलिए अब बात करते हैं इंडियन फीफा सीन में हो रहे धमाके की, एंड दैट इज EISL, जिसका पहला हफ्ता काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहा। और कुछ हाईलाइट्स के बाद हम नज़र डालेंगे लीडर बोर्ड के ऊपर भी और देखेंगे कि एक्चुअली क्लब्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। As we see, Justin, the keeper, somehow saved there. That is, he's finally found that little bit of opening. But nobody in the box has this chance. He doesn't take it. Now, it's all about that one-on-one battle. Can he do it? He's found the space for Ginola. This could be the opening over there. Oh, why? What's this? It could have been one all right now. It's just a bit of luck favoring both. And this should be a goal, and no, straight at the keeper. Intense start we've had. The far cry pass, no, it's not the right pass. Chennai and FC, they've been looking so good, but up until the point, someone comes and now beats them. But a good chance by Sadiq. Well done. Is he going to go for that cut first? Sharma. But there was a huge opportunity to get the ball in behind. Oh, that's a lovely little dummy, and he's through. Then surely he has to score over here. Yes, sir. Van der Sar having the night. 2 out of 2. That's an excellent ball played forward. Lovely little what? Flick. Can they finish up in style? He does have a man over at the far post when he goes for the cross. He does go for it, and that's it. That's absolutely nerve-wracking encounter for pretty much close to 80 minutes. कॉल ड्यूटी मोबाइल के नए गेम के हिंट्स हमको काफ़ी समय से मिलते आ रहे हैं लेकिन कुछ भी कंफर्म नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक बार फिर से रूमर्स जो है वो हवा में उड़ने चालू हो चुके हैं एंड रूमर्स का ये कहना है कि गेम इज़ अंडर डेवलपमेंट नाउ। पीपल लाइक आईफर्ग एंड NYSL बॉबी ने कंफर्म किया है दैट द न्यू गेम इज़ कमिंग। एक्टिविजन का आइडिया है कि PC और कॉन्सोल गेम्स को मोबाइल प्लेटफॉर्म पर भी लेकर आएँ और एक हेल्दी इकोसिस्टम इन प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाएँ। And by all means, we might be getting Warzone on our phones. Snapdragon UK ने accidentally Warzone मोबाइल को टीज किया था जिससे ये सारे rumors legit लग रहे हैं। And finally, ladies and gentlemen, BGIS हमको एक बार जल्दी से देखने को मिल सकता है। We are going back to the old battleground but with a new beginning. और चलिए बात करते हैं इस टूर्नामेंट के बारे में। BGIS का प्राइस पूल होने वाला है पूरे 1 करोड़ रुपए का। इंडिया के सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इसका हिस्सा होंगे। टूर्नामेंट को फेजेस में बांटा गया है, इन गेम क्वालिफायर्स, ऑनलाइन क्वालिफायर्स, क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स और ग्रैंड फाइनल्स। 32 टीम्स इसका हिस्सा होंगी और फाइनल्स में सिर्फ 16 टीम्स आगे बढ़ेंगी। दिसंबर 4 को इन गेम क्वालिफायर शुरू हो जाएंगे और ग्रैंड फाइनल्स होगा जनवरी 13 से 16 तक। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, बाय बाय।